हेलो दोस्तों दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते रहते हैं कि सर क्या ये ज़रूरी है कि ACL की चोट में हर कोई ऑपरेशन करवाए, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि बिना ऑपरेशन के भी काम चल सकता है। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ACL का जो ऑपरेशन है डेफिनेटली कोई जीवन रक्षक ऑपरेशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ACL का ऑपरेशन कराना कोई 100% ही ज़रूरी है। ACL एक ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टीबिया से जोड़ने वाला कनेक्शन है। तो अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप दौड़ भाग नहीं कर पाओगे, आप रनिंग नहीं कर पाओगे। दूसरा, यदि आप कभी भागा दौड़ी इमरजेंसी में करते भी हो और आप गिर जाते हो या ट्विस्ट हो जाता है पैर, तो कार्टिलेज या मेनिस्कस खराब होने का डर रहेगा। एक आपको हमेशा पैर में एक इंस्टेबिलिटी की फीलिंग रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी आप गिर सकते हो, रनिंग नहीं कर सकते। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो आप एक ऐसी मोटरसाइकिल बन जाते हो जिसमें सिर्फ फर्स्ट गियर ही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर नहीं है। तो इस वजह से ऑपरेशन कराना ज़रूरी तो है। किस किस परिस्थिति में आप बच सकते हो कि ऑपरेशन के बिना, तो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपका ACL टूट जाता है तो ऑपरेशन की इतनी नीड नहीं रहती है, क्योंकि उस उम्र में आप ज़्यादा भागा दौड़ी वैसे भी नहीं करते हो। दूसरा, यदि आपका ACL टूटा है और साथ में अभी आपके कोई फ्रैक्चर भी है तो पहले फ्रैक्चर का इलाज होना चाहिए। ACL का इलाज सेकेंडरी है, क्योंकि हड्डी जुड़ने के बाद ही ACL का इलाज हो सकता है। यदि आपके ACL टूटा है और साथ में घुटना जाम है तो पहले घुटने की फुल बेंडिंग आना ज़रूरी है, उसके बाद ही ACL का इलाज हो सकता है। यदि आप कोई फीमेल हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, ACL टूट गया, तो आप प्रेगनेंसी तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई ज़्यादा भागा दौड़ी तो नहीं करेंगे, इसलिए आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप 20 से लेकर 40 या 50 साल तक के युवक हैं या युवती हैं, महिला हैं, और ACL टूट गया है और आपको उसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, या आप आगे जाके पूरी अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ACL की सर्जरी करवा लेना ही उचित रहेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके मन में क्या सवाल है ACL के प्रति, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।